नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टिंडा के बारे में। टिंडा एक ऐसा शाकाहारी सब्जियों में से एक है जो पौष्टिकता से भरपूर होता है। टिंडा को हजम करना आसान होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैरोटीनॉइड, विटामिन सी, आयरन और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो टिंडे को सुपर फूड बनाने में मदद करता है। आयुर्वेद में भी इसका औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको टिंडे खाने के औषधि गुण के बारे में विस्तार से बताऊंगी। खून साफ न होने पर कई तरह के त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना होती है टिंडे के फल के रस का सेवन करने से। रक्त का शोधन तथा मुंह और गला सूख जाने के एहसास से छुटकारा मिलता है। टिंडा के फायदे खून को साफ कर उससे संबंधित बीमारियों से राहत दिलाने में मदद करती है। पतंजलि आयुर्वेद के अनुसार टिंडे का फल का शाक बनाकर अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रहा है तो टिंडा का सेवन इस तरह से करने पर लाभ मिलता है। 5-10 मिलीग्राम टिंडे के जड़ का रस बनाकर पीने से ब्लीडिंग को कम करने में मदद करता है। अगर यूरिन संबंधी रोगों से परेशान है तो टिंडा के फलों का शाक बनाकर सेवन करने से पेशाब करते वक्त दर्द तथा यूरिनरी ब्लाजर के सूजन को कम करने में मदद मिलती है। टिंडे के फलों का रस निकालकर मिश्री मिलाकर पीने से डायबिटीज में लाभ मिलता है। आमतौर पर उम्र बढ़ने पर जोड़ों में दर्द की परेशानी होती है, लेकिन आजकल कम उम्र में भी ये समस्या नजर आता है। ऐसे अवस्था में आराम पाने के लिए टिंडे के फल को पीसकर जोड़ों पर लगाने से दर्द में राहत मिलती है। अगर शरीर के किसी अंग पर सूजन कम नहीं हो रहा हो तो टिंडे के बीज और पत्तों को पीसकर उसका लेप बना लें। उसके बाद लेप को प्रभावित जगह पर लगाने से दर्द और सूजन दोनों कम हो जाता है। अगर लंबे अरसे तक बीमार रहने के बाद कमजोरी आ गई है तो पके हुए टिंडे के बीजों को निकालकर मेवे के रूप में सेवन करने से कमजोरी और थकान में भी लाभ मिलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और आशा करते हैं कि टिंडे से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।